हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी निरंतर जारी रख रहे होंगे। देखिए, एक आपके लिए बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है सर्किल। जितने भी लोग हो, सब टीजीटी हो, पीजीटी हो, आप कहीं भी सर्किल आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये। तो हम सर्किल के बारे में आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं और नॉर्मली टीजीटी पीजीटी में जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी वे में आप यहां से कर पाओगे, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक्स हम यहां डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं सर्किल के पास। देखिए, आपका सर्किल क्या होता है? आपने पता है कि ये जो शेप होती है वो सर्किल की होती है और एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो हम ये कहें कि लोकस ऑफ पॉइंट्स, मतलब लोकस ऑफ पॉइंट्स विच हैज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। हमारे जो फिक्स्ड पॉइंट से ये जो हमारे पॉइंट हैं ये आपके क्या हैं? लोकस ऑफ पॉइंट्स है और एक फिक्स्ड पॉइंट से सारे क्या रखते हैं? सेम डिस्टेंस रखते हैं। सारे क्या रखते हैं? सेम डिस्टेंस रखते हैं। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर, ठीक है। और जो इक्वी डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस, ठीक है ना। यहां तक हमें पता है कि सर्किल क्या होता है। सर्किल क्या होता है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स विच हैज इक्विस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। जो एक फिक्स्ड पॉइंट से कैसी सेम डिस्टेंस रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं, ठीक है। और सर्किल से पहले हमारा ये सर्किल किसके अंडर आता है? यहां हम बात करते हैं कॉनिक सेक्शन की। यहां हम किसकी बात करते हैं? कॉनिक सेक्शन की। कॉनिक सेक्शन के अंडर ही हमारा ये कंडीशन क्रिएट होती है। तो हम थोड़ा सा सर्किल से पहले हम देखेंगे ये सर्किल की इक्वेशन जनरल फॉर्म कहां से आई। और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, और हम ये कहें कि कॉनिक सेक्शन का बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है वो भी हम यहां से हम कंप्लीट करेंगे। देखो, एक कॉनिक सेक्शन में आपसे पूछता है, कॉनिक सेक्शन के अंदर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब हमें यह पूछता है ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, या ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगी, या पैराबोला रिप्रेजेंट करेगी, या हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगी, या एलिप्स रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने कहा यहां एक हमारा डिटर्मिनेंट डेल निकालते हैं। वो डेल यहां हमारा कौन काम करेगा? हम काम करेंगे ए एच ए बी और ए सी। यहां एच है तो यहां एच आएगा। एच के बाद क्या आता है? जी आता है हमारा। यहां जी है तो यहां जी आएगा। यहां एफ आएगा, ठीक है। ये हमारा आता है भाई साहब, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू हमारी यदि क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू अगर हमारी क्या हो जाती है? जीरो। यहां कंडीशन हम लिख देते हैं इफ, हम यहां कंडीशन लिखते हैं कि इफ हमारी यदि डेल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन हम देखें, यदि हमारा ये जीरो नहीं होता है, हमारा जीरो ये नहीं होता है। अब भाई साहब जीरो नहीं होगा तो हमारे पास एक कंडीशन क्रिएट होगी यहां सबसे पहली, वो क्या होगी कि हमारा ये जीरो नहीं है और ए बराबर क्या बन जाता है? बी बन जाता है। ए और बी कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। और यहां पर एच की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। एच की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये सर सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम डेल निकालेंगे, इसकी जीरो आएगी तो पेयर ऑफ लाइंस होगा, वो डेल नॉट इक्वल जीरो होगा और ये कंडीशन फॉलो करेगा तो वो सर्किल होगा। सेकंड, यदि हमारा एच स्क्वायर इक्वल में ए बी होगा, एच स्क्वायर हमारा एच और ए बी कहां से? यहां से जी एफ, यहां से निकलेंगे ये। एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा तो हमारा ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। थर्ड कंडीशन हम देखें कि यदि हमारा एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होगा, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होगा तो हमारा ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और हमारा फोर्थ में एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो हमारा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी ये, कॉनिक सेक्शन में कोई भी कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा ये बात हम यहां कर चुके हैं, ठीक है ना, ये बात हम यहां कर चुके हैं। इसके बाद हम देखें आगे कि ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकालेंगे और हम बता देंगे ये क्या है, ठीक है ना।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन आप करने की कोशिश किए कहीं भी, कंपेयर इससे करो, वैल्यू फाइंड करो और ये आप डायरेक्टली कर पाओगे। ठीक, अब हम चलते हैं अपने फिक्स टॉपिक की तरफ। कौन सा था जो सर्किल था? हमारा जो सर्किल था वो क्या था? हमने सर्किल में कहा था कि लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है। ये क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, जो क्या रखता है सेकंड में, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम कहां से, फिक्स्ड पॉइंट से, कहां से, फिक्स्ड पॉइंट से। अब आपका फिक्स्ड पॉइंट आपका यहां इसके अंदर क्या कहलाता है? सेंटर। क्या कहलाता है? सेंटर। और जो इक्विडिस्टेंस कहलाती है वो आपकी कहलाती है रेडियस। ये क्या कहलाती है? रेडियस, ठीक है। अब हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमें सेंट्रल फॉर्म चाहिए, इक्वेशन निकालनी है हमें सेंट्रल फॉर्म में। किसमें? सेंट्रल फॉर्म में। सेंट्रल फॉर्म में हम निकालना चाह रहे हैं किसकी? सर्किल की इक्वेशन। तो सर आप एक बात बताइए, हमें पता है कि हमने मान लिया ये क्या आपका सर्किल, इसी हाँ एक यहां मान लेते हैं ये आपका सर्किल है जिसका जो सेंटर है एच के है। क्या है? कोई एच के है। और हम मान लेते हैं इसके जो सर्कमफेरेंस पर इसके एक पॉइंट है एक्स वाई। क्या पॉइंट है ये? एक्स वाई, ठीक है, एक पॉइंट है एक्स वाई। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या पता है कि यहां से यहां की जो डिस्टेंस है ये किसकी होगी? रेडियस होगी। क्या होगी? ये रेडियस होगी। तो यही तो हमें ऐसे ही तो निकालना होता है, कभी भी हमें लोकस निकालना हो तो कंडीशन ही तो फॉलो करवानी होती है कि ये रेडियस बन जाएगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो हम निकाले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल में किसका हो जाएगा? r का स्क्वायर। क्योंकि रूट में निकालेंगे बराबर r आएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बन के आ जाएगा, ठीक है ना। यहां ये आपको क्या बताएगा? h और k आपका क्या कहलाएगा? ये है आपका सेंटर। और रेडियस आपकी यहां क्या हो जाएगी? r क्या हो जाएगी आपकी यहां पर? रेडियस, ठीक है ना। ये पढ़ा है। इसी के साइड में एक चीज और देखें जो आप बहुत ही यूज करते हो कि हमारे तो सर्किल की इक्वेशन एच और के पास सोच पढ़ा ही नहीं था, अगर एच के अब के सेंटर में तब है ये। और हम आपसे कहें कि इफ सेंटर आपका है ओरिजिन जीरो जीरो, ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका एच और के की वैल्यू क्या हो गई? एच और के की वैल्यू क्या हो गई? जीरो जीरो हो गई। और यहां से एच के की वैल्यू इसमें रखा तो हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। ये हमारी सर्किल की इक्वेशन आई जब सेंटर क्या है आपका? जीरो जीरो। तो इस टाइप की कभी भी इक्वेशन हमें मिलेगी, इस टाइप की कभी भी हमें इक्वेशन मिलेगी तो हम क्या कहेंगे? वी विल से इजीली दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज ओरिजिन। जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है, उस सर्किल की ये इक्वेशन है। ओके, अब हम इतना करने के बाद हमें रेडियस पता चल गई, सेंटर पता चल गया और ये लोकस होता है ये पता चल गया इसके बारे में, और ये सेंट्रल फॉर्म की हमें इक्वेशन पता है, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद थोड़ा सा और आगे चलें, इतना करने के बाद थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और इसकी एक जनरल इक्वेशन देखते हैं। देखिएगा इसकी हम जनरल इक्वेशन देखें। अब जनरल इक्वेशन देखें, देखो जनरल इक्वेशन के लिए अभी हमने देखा था, आपको अभी ध्यान होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल में जीरो, यही था। और यहां पर यदि हमारा ए बराबर बी हो जाए और एच बराबर क्या हो जाए? जीरो होगा, यही तो सर्किल बनता है। तो यहीं से हमारी ये जनरल इक्वेशन निकल के आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये जीरो हो गया, आपका टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल में जीरो। इसी को हम कहेंगे क्या? आपकी जर्नल इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसका प्रूफ, इस इक्वेशन से हमें अब रेडियस निकालनी हो या क्या निकालना हो, सेंटर निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे वो आप देखना है। अब तो देखो यहां